आपका पत्रकार साथी रण सिंह पवार पीएमओ न्यूज से। आज हम जो है बात करेंगे हरियाणा पंचायती राज के चुनाव, अभी सरकार घोषणा करने जा रही है, कभी भी हो सकते हैं जनवरी या फरवरी में। तो इससे पहले जो है बहुत सारे साथी चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए हैं और वो काम भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर मिल भी रहे हैं। तो आज हमारे बीच में जो है रणदीप पनिहार जो हमारे बीच में हैं, यूथ हैं, मैं उनसे आज बात करना चाहूँगा कि क्या सामाजिक गतिविधियाँ होती है। आपका पीएमओ न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार सर, सर्वप्रथम तो मैं निर्भय और निडर पत्रकारिता के लिए पीएमओ न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आने वाले नव वर्ष की मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रणदीप जी, आज देश का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का माना जाता है और उसके अंदर जो यूथ है उनके अंदर एक नई एनर्जी होती है, वही एनर्जी हम आपको देखना चाहते हैं। तो आज जो है क्या सामाजिक गतिविधियों के अंदर जो है आपकी भागीदारी चल रही है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पंचायती राज के जैसे चुनाव भी हैं उसमें भी आपके कयास लगाए जा रहे हैं, किसी न किसी पद के लिए आप भागीदारी उसमें लेंगे। सर मैं बताना चाहूँगा, मैं समाज के लिए हर पक्ष से तैयार हूँ, जो भी मेरे लायक काम होगा या जो मेरे मैं कर सकता हूँ, जिस जो करने में मैं सक्षम हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ। और दूसरी बात, जो अब फिलहाल में मुद्दा चल रहा है किसानों का, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे जो भी मेरे से होता है या किसानों की सपोर्ट करने की बात आती है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या टोल पे जाके या किसान साथियों को जागरूक करके जो एक लीड बनाने की हम सरकार पे कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं तत्परता से आगे हूँ। किसान आंदोलन पे तो पूरे देश की जो निगाह टिकी हुई है, आज जो है सरकार से बातचीत भी किसान की होनी है, किसान नेताओं की, क्या लगता है आपको क्या इसमें क्या परिणाम आने चाहिए? हम संशोधन नहीं चाहते हैं, किसान फिलहाल किसानों की राय है कि इसमें संशोधन ना हो, कानूनों को इनको बिल्कुल नकार दिया किसानों ने, क्योंकि बात अब वजूद पे आ गई है और जब बात वजूद पे आ जाती है तो जोता भी शेरों से टकरा जाता है, या आपने सुना होगा। अब किसानों ने सोच लिया है क्योंकि मरना तो हमें वैसे भी है, इससे अच्छा है वजूद की लड़ाई लड़ते हुए मरे ताकि हमारे आने वाले पुश्ते तो याद रखे कि हमने लड़ते लड़ते अकेले जान दे दी थी। तो किसान पीछे नहीं हटेगा, किसान चाहता है कि जो दमनकारी कानून सरकार लेके आई है इनको सिरे से नकार दिया किसान ने, तथा सरकार इनको वापस ले, और किसान जब तक ये मांगे नहीं मान लेंगे डटा रहेगा अपने आंदोलन में। चलो ये तो बात हुई रणदीप जी आपसे किसान आंदोलन की, तो अभी जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक यूथ नया चेहरा समाज सेवा के लिए गांव की सेवा करने के लिए आना चाहिए, उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आवश्यकताएं हैं गांव के अंदर, जिसको आपको अगर मौका मिलता है किसी भी पद के लिए तो आप उन पे प्राथमिकता रखेंगे? बिल्कुल सर, अगर मुझे जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी मैं उसे बेखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। आज गांव में अनेकों मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का, युवाओं के लिए रोजगार का, स्वास्थ्य के प्रति, ये जो अहम मुद्दे हैं इन पे ध्यान नहीं दे रहा। पानी, जो हमारा गांव है इसमें पानी की मुख्य समस्या बनी हुई है, लोगों को पीने के पानी की बहुत, जो गरीब से गरीब आदमी मोल के टैंकर मंगवा रहा है पीने के पानी के, जो संभव नहीं है अपने सत्र पे, तो मैं इन पे काम करूंगा, इन पे हालातों पे, और अगर मुझको कोई मौका देता है या जिम्मेवारी देता है तो मैं उसे बेखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। क्या प्रयास आपने किए हैं, जैसे आपने मुख्यतः पानी की समस्या बताई है गाँव में, कि पानी की समस्या लोगों को जो है बाहर से टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किए हैं, मैं जानना चाहूँगा। सर मैं बहुत बार, जैसे हमारे वाटर सप्लाई की पानी की प्रॉब्लम है वार्ड नंबर 3-4 में, तो मैं दे उससे SDM साहब, एक्सएल साहब से भी मिला हूँ, लिखित में भी मैंने बहुत बार शिकायत की है, तथा अब मैं आगे जो हमारी आगे की जो सोच है, हम जो भी समूह में जाकर एक्सएल साहब से मिलेंगे तथा उनके सामने हमारी मांग रखेंगे कि सर हम बहुत बार मिल चुके हैं, इस मांग का समाधान किया जाए, मैं तैयार हूँ इसके लिए। दर्शकों, हम आज जो बात कर रहे हैं रणदीप पनिहार से, पनिहार गाँव में आकर के, तो आज जो गांव की समस्या है, देखो हम वही आवाज, वही क्वेश्चन, वही प्रश्न पूछते हैं जिनकी लोगों को जरूरत है, जो जनमानस की है,
और जिनके उत्तर जनमानस चाहता है। तो आज जो समस्या पनिहार के अंदर है, कुछ लोगों के घरों को आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी की सप्लाई ठीक से नहीं आ रही है। तो मेरे चैनल के माध्यम से, इस चैनल के पीएमओपन न्यूज के चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक, अधिकारियों तक ये बात जाती है तो वो इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। पीएमओपन न्यूज से बने रहिए, मैं रण सिंह पवार।